सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम और स्वागत तारे अपने यूट्यूब चैनल सिहाग मुरा फार्म पर। आज पहुंच गए भाई धर्मनगरी बेरी। अब कई भाई कहेंगे धर्मनगरी कैसे, क्योंकि बोर्ड पर लिख रखा था भाई, वही बता रहा हूं। और काफी अच्छी भूमि रही है बेरी, एक नामी ग्रामी क्षेत्र हरियाणा का। और देखो भाई, हर फील्ड का अपना अपना होता है। अब जैसे मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी रहा हूं, तो पीछे अपने जो मेरे बड़े भाई बहन थे ओलंपिक में मेडल भी लेके आए थे, तो बहुत खुशी हुई थी। और अपनी अपनी फील्ड होती है भाई, अपना अपना सब कुछ होता है। और एक यूट्यूबर की बात करूं तो अगर पशु दिखाता है, अगर पशु उस बात पर खरा उठता है या फिर उतना ही दूध देकर वो अच्छे दामों पर सेल हो जाता है, तो एक यूट्यूबर के लिए इससे बड़ी बात क्या हो जाती है। कुछ दिनों पहले भाई अश्विनी भाई साहब के यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी दो भैंसों की, और इन्होंने जितना दूध बताया था सेम टू सेम कुछ ना कुछ प्लस ही रहा है कांटे के तोल में। और जिस भाई ने खरीदी है यहाँ से, उस भाई से मिलवाऊंगा। काफी शानदार वीडियो होगी, तो बने रहना। और इसमें जो थोड़ा बहुत हरियाणा की कठी, मैं कहूंगा एक जो खट्टा मीठा होता है ना, थोड़ी नोक जोक होती रहती है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जिक्र करांगे। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करूंगा दोस्तों, बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले मिलवाता हूँ यहाँ के ओनर से, अश्विनी भाई हैं, मैं कहूंगा एक कोच के पद पर भी रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी मैं कहूंगा इज्जत करूंगा इनकी, क्योंकि मैं भी गेम से जुड़ा हूं। तो एक बहुत ही शांत और मैं कहूंगा शालीन स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे नेचर के। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया जी। सर एक बार सबसे पहले अपना पूरा नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर बता दे। नाम बताएं। सभी वीडियो देखने वालों भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम अश्विनी है जी, गांव सेरिया। गांव सेरिया और डिस्ट्रिक्ट झज्जर है, डिस्ट्रिक्ट झज्जर के अंतर्गत आता है सेरिया गांव जी। मोबाइल नंबर और बताएं अपना। 9992998008008। ये भाई साहब का नंबर है, कोने पर चल भी रहा है। जिस भी भाई को ज्यादा जानकारी चाहिए अश्विनी भाई से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और बताना चाहूंगा दोस्तों, यूट्यूब पर एक अपने चैनल की पहले दिन ही एक मुहिम बनी थी कि भाई जितना दिखाएंगे ईमानदारी पर दिखाएंगे, जितना दूध है कोशिश रहेगी उतना ही बताएं। तो अश्विनी भाई एक बार ये जो पहली भैंस है इसके बारे में बताएं, कितना केजी दूध बताया गया था पिछली वीडियो में इसका? इसका 19 लीटर 19 लीटर बताया गया जी, 19+ ही जी। हाँ जी, काफी शानदार है। और दूसरे इलेक्ट्रिशियन में? हाँ, सेकंड इलेक्ट्रिशियन जी, सेकंड इलेक्ट्रिशियन में 19 केजी दूध। ये देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी तो मैं कहूंगा लगभग 10:30 ही हुए हैं, तो चौबाई को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए ज्यादा जोश नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी भैंस है, 19+ रहा है। इस जोटी के बारे में और बताएं भाई। इसका 18 लीटर बताया गया था, बहुत छोटे सींग की। और ये देख सकते हैं अड्रेस का भी काफी अच्छा, 18 लीटर। ये भी सेकंड टाइमर और 18, और ये देखिए कितनी फेस ब्यूटी, बहुत ही अच्छी है जी। तो ये दोनों बताई गई थी। और जो भाई अपने आए हैं, गेस्ट हैं और यहाँ से परचेज की है जिन भाइयों ने, उनसे भी मैं मिलवाऊंगा। सर एक बार आना आप भी कैमरे के साथ जी। तो ये सर आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, जो पूरा इनका मैं कहूंगा जहां से आए हैं प्रॉपर लोकेशन पूछेंगे इनसे। सर सबसे पहले तो हार्दिक स्वागत आपका हरियाणा में पहुंचने पर, खासकर अश्विनी भाई के फार्म पर। स्वागत है आप सभी लोगों का, पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से आदाब जी। धन्यवाद सर। और यहाँ पे मैं आया हूँ वीडियो देख के, यूट्यूब की आपकी। अच्छा, वीडियो देख कर आए थे, ठीक है। पशु फोन पे ही से हमने खरीद ली थी, फोन पे ही खरीद लिए थे। सर सबसे पहले आपका नाम और मैं आपकी जो प्रॉपर एड्रेस है वो जानना चाहूंगा, बताएं। मेरा नाम तो कुछ और है, सब लोग बाबू कहते हैं जी, बाबू प्रधान, रसूलाबाद जी, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ जी, ब्लॉक फूलपुर है, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ है जी, और विलेज रसूलाबाद, विजय विलेज रसूलाबाद जी। सर एक बार मोबाइल नंबर और जानना चाहूंगा। 9838253669 जी। तो सर कई भाई कहते हैं कि वीडियो में कुछ और बताया जाता है लेकिन होती कुछ अलग है, अगर वीडियो में 18 बताया तो क्या पता घर पे जाके देखें तो 10 केजी मिले, ऐसा कुछ आपके साथ घटित हुआ हो यहाँ पर, पूछना चाहूंगा आपसे। 50-50 है, कभी कभी सही भी होता, गलत भी होता, गलत भी हो जाता है, पशु ले गए जी। तो अगर अश्विनी भाई के फार्म की बात करूं तो यहाँ पर कैसा रहा आपका रिस्पॉन्स? ठीक है, बिल्कुल करीब आपके परिवार भी ठीक है जी, अच्छे लोग हैं। अभी जहाँ तक मैं आया 5-6 लोग, पिछली बार आया 5 जगह गया था, 5 लोगों के यहाँ जी, और यहाँ पे रुका जी, यहाँ पे आज 2-3 दिन से हूँ, 2-3 दिन से परिवार के प्यार मोहब्बत अच्छा लगे जी। और दूध की बात करें तो सर भैंसों तो ठीक है, अच्छा है, थोड़ा सा 9-10 था ठीक है जी जी, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है जी, कुछ ग्राम में हम कह सकते हैं थोड़ा, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात और पूछना चाहूंगा, आप
कहने से आधा लीटर एक लीटर प्लस माइनस होता चलता है, जब 10-5 लीटर का प्लस माइनस होता है तो 4 लीटर का प्लस माइनस होता है जी। तो आपने बताया सर पिछले 6 टाइम से आप चुवाई कर रहे हैं, मिल्किंग कर रहे हैं जी जी, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि अगर जब इनके घर ही पे 3 दिन से हो तो पशु के साथ में भी लगा रहा, 3 दिन सुबह शाम चुवाई होती है, साथ में रहता हूँ, देखता हूँ जी, दूध बराबर है, बराबर है। तो सर कितने सालों से खरीद रहे हैं भैंसे हरियाणा से? मैं अभी शौक में आया हूँ, पिछली बार भी ले गया था जी और अब की बार भी आया हूँ, अगर मूड बना तो डेयरी डाल दूंगा, सेल परचेज का काम। अच्छा, सेल परचेज का भी आगे कर अभी तो अपने लिए लेके जा रहा हूँ अपने शॉप के लिए। जी जी, तो कोने पर सर का भी नंबर चल रहा है, जिस भी भाई को ज्यादा जानकारी चाहिए आप सर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो सर आपने, मैं पूछना चाहूंगा, अच्छी मुर्रा नस्ल आप लेकर जाते हैं हर बार, तो इन भैंसों से कितनी क्या उम्मीद रहेगी आपके, किस बेस पर लेकर? भैंसों में जो हमने देखा है यहाँ पे पूरी पूरी हमें उम्मीद है जी, जो कि देख के लेके जा रहे हैं, किसी के बताने पर ना लेके जा रहे, बताने पर नहीं लेके जा रहे, बताने पर कुछ कोई और बताता है और लेके जाता है, लेके जाता पाता है कुछ और। जी जी सही, चलो होती रहती है, तो व्यापार है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, कई बार पशु की भी सेहत में फर्क पड़ जाता है, कई बार होता रहता है हरियाणा, हम किसी विशेष आदमी का यहाँ पर नाम नहीं लेंगे, लेकिन सभी मैं कहूंगा हरियाणा के एक नामी गिरामी पशुपालक हैं भाई, बहुत अच्छा काम करते हैं सारे के सारे भाई, अश्विनी भाई का नाम उन चेहरों में एक है, और अच्छा काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तभी जाकर चैनल पर वीडियो लेकर आता हूं, क्योंकि एक ईमानदारी से वीडियो आएगी तो भाई काम भी लंबा चलेगा, और भाई साहब इतनी दूर से आए हैं तो मजा भी आता है। तो अश्विनी भाई पूछना चाहूंगा आपसे कि सर ने लगभग 6-7 टाइम चुवाई की है, हाँ तो आपको इस बारे में कोई दिक्कत हो, मतलब कई बार हरियाणा में क्या होता है भाई, एक टाइम चुवाई करते हैं, दूसरे टाइम कहते हैं भाई बस हो गया, बताओ एक बार इस बारे में क्या ख्याल है? पहले ये मैं अपनी बात ये रखता हूँ, वीडियो हमारी डली थी जी, उसके आधे घंटे बाद ही इन भाइयों का फोन आ गया। अच्छा, आधे घंटे बाद ही फोन आ गया था, ठीक है। और इन्होंने बोला कि हम, जैसे आप पैसे कह रहे हो जी, इस पैसे के हम ले लेंगे जी, और इन्हें जवान दे दी थी मैंने जी, मैंने बोल दिया था, ये बोला कि 2 दिन बाद आएंगे हम जी जी, तो आप रुक जाओगे, देखो आपको मैंने जबान दी है तो मैं रुक जाऊंगा जी, और बहुत से कॉल, कम से कम ये वीडियो देखने वाले भाइयों को भी पता होगा, उन्होंने कॉल की पर मैंने बोल दिया भाई सेल हो चुकी है जी, इसलिए फिर मैंने ये सोचा अगले दिन भी बिक जाती मेरी। हरियाणा के जो भाई जैसे करनाल के थे, कुछ सोनीपत से भी फोन आए थे जी, और ये कुरुक्षेत्र से भी आए थे जी, और कुछ आसपास के जो हमारे गांव के आसपास थे जी, उनके जी, भी कॉल आए, पर मैंने ये बोल दिया था मेरी जुबान हो चुकी है भाई, पहले वो आएंगे उनको कम बत्ती लगेगी या उनकी इच्छा नहीं होगी तभी मैं आपको बोल सकता हूँ जी, नहीं फर्स्ट बार उनसे जुबान हो गई है तो मैं उन्हीं को दूंगा जी। बहुत अच्छी बात, एक जुबान पर खड़ा होना तो हरियाणा की संस्कृति में लिखा है, और दोस्तों बार बार कहता हूँ कि अगर युवा साथी इस फील्ड में आएंगे तो हम हरियाणा की जो एक छवि है मुर्रा के मामले में उसको बहुत ही ज्यादा बेहतर करेंगे और बहुत आगे लेकर जाएंगे। तो सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी मेरी कि भाई जो भी युवा साथी हैं 18 से 25 या फिर 15 प्लस हो जाते हैं, एक काम जरूर करें, पशुपालन में जरूर रुचि रखें। ये कोच साहब की थोड़ी मैं वार्तालाप से और जानना चाहूंगा, तो सर आपने कोच की पद पे भी नियुक्त रहे हैं और नौकरी भी की है अपना, ये डेयरी फार्मिंग भी कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, छोटा 2 शब्द कहें उन बारे? देखो मैं इस बारे में ये कहूंगा जी, कोई भी गेम करता है जी, गेम जी, वो पूरी मेहनत और लगन से करो जी, और ऐसा करो अगर सबसे आगे वर्कआउट करने की जी जी, या आगे बढ़ने की हिम्मत रखेगा जी जी, वो हमेशा सफल होगा, हमेशा या कोई भी फील्ड होगी जी, उसमें सबसे बेस्ट करने की कोशिश करेगा जी, आदमी सक्सेस होता है जी जी सही। और कुछ बात मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, सभी भाइयों को हाथ जोड़ के विनती है जी, भाई कहीं बाहर का कोई बंदा आता है जी, उसके साथ गलत मत करो जी, एक आत्मा सो परमात्मा का रूप होती है जी, किसी से आप बुद्धवा लोगे तो कहीं न कहीं से आपका नुकसान होगा, धोखा होगा। आप भी ये सोचो, मान के चलो कि हमारे साथ ये चीज होए जी जी, तो हमें कैसा लगे जी, तो ये मान के करोगे तो भाई किसी के साथ धोखा करना बहुत गलत हो जाएगा जी, जी। एक पैसे के लालच में ये ना करो भाई, अपना धर्म मत बेचो, ईमान मत बेचो जी, सही बात बताइए सुनी भाई ने जी जी। तो सर से थोड़ी बहुत और वार्तालाप करेंगे, सर जो बाहर से हमारे व्यापारी भाई आते हैं या फिर आम पशुपालक आते हैं कि भी हरियाणा मुर्रा का गढ़ है, वहां से हमें मुर्रा मिलेगी, तो उन भाइयों के लिए क्या कुछ सुझाव रहेगा आपके यहाँ से बताएं? भाइयों के लिए यही सुझाव है जी, जिनका विश्वास बना है तो बना जी, अगर जो नया आए जिसके साथ चीट फ्रॉड हो जी,
को यहाँ पे आके देख करके विश्वास को जमा के इसके बाद में विश्वास को जाए, विश्वास को जमाए सबसे पहले विश्वास जी, उसके बाद तो धोखा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। जब विश्वास हो जाता है तो फिर जी इसके आगे फिर उसके आगे क्या है? देखो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मेरे पे भी किसी पे भी भरोसा मत करो जी भाई। देखो दो टाइम चार टाइम देखो, उसमें आगे वाले के कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार पशु यहाँ से जाने के बाद या माहौल सेट नहीं होता या मौसम, कई बार हुआ पीछे भी देखने है, तो वो सच्चा भी झूठा हो सकता है। और जो झूठा आदमी ये गलत कर रहा है वो तो फिर गलत है ही। सही बात है। कि मेरे ऊपर भी और किसी के पास भरोसा मत करो जी, ये सोच के चलो सब झूठे हैं। जी जी गलत कर रहे हैं बता देना, आखिर मैं आज नहीं कल पूरी जनता जानता थी। जी जी सही बात है, पूरा देश जान जाता है यूट्यूब के माध्यम से। जी जी सोशल मीडिया ऐसा फैला तो हर चीज जान सकते हैं, प्रसार है कि अब मैं कहां से कहां आ गया, कहां जान गया। जी 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 कौन क्या कर रहा है, क्या झूठ बोल रहा है, क्या सही बोल रहा है। जी जी सही बात, सब बता के कर रहे जी ना करें जी। तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा दोस्तों को, मेरा यही संकेत था। जो भाई बाहर से आते हैं, जो हरियाणा को कई बार बोल देते हैं कि भाई हरियाणा हरियाणा का भी नाम खराब करते हैं, जी साथ जी साथ अपना भी खराब करते अपना हैं, भी दूसरे प्रदेश से आने वाले व्यापारियों का विश्वास है जी, नुकसान भी हो जाता है जी। तो यही संकेत दूंगा भाई, जो भाई बाहर से आ रहे हैं मिल्किंग करें आप, दो टाइम चार टाइम पांच टाइम छह टाइम तक करें। हरियाणा एक मैं कहूंगा भाई खुला प्रदेश है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आप विश्वास से लेकर जाएं, बढ़िया मिल्किंग करो, बढ़िया भैंस आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि ये हरियाणा है, हरियाणा मुर्रा का गढ़ है। बार बार कहता रहूंगा युवा साथियों से यही प्रार्थना कि पशुपालन की ओर एक कदम और रखें। ठीक है भाई साहब, ये देख सकते हैं इन्होंने ये दो भैंसे खरीदी हैं और बहुत ही अच्छे दामों पर, जो अश्विनी भाई ने कहा था उसी दामों पर खरीदी हैं, और जो मिल्किंग बताई थी भाई ने वही हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसा अगर भाईचारा दिखेगा कि यूपी और हरियाणा का, खासकर एक मैं कहूंगा बहुत अच्छा होता है, वाह भाई वाह, ये एक देखने का नजरिया है। और विश्वास की बात है तो दोस्तों यही उम्मीद करूंगा सारे भैया थे मिलकर रहे, काम बढ़िया करो। जी सर नमस्कार आपको भी, सारे भैया राम राम भाई, और एक ही संकेत मिलकर रहे भाई, जिस भी काम को करें बढ़िया विश्वास से करें, क्योंकि ये जो काम है लंबा चलने वाला है, डेयरी फार्मिंग का एक मुकाम बहुत बड़ा होने वाला है। सारे भैया राम राम नमस्कार। ठीक है भाई अश्विनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।